कर मारा। केस दर्ज। पहले झाड़ी काटने वाली कैंची से पीटा, फिर सड़क पर छोड़ दिया। दर्द से तड़प तड़प कर तोड़ा दम। जयपुर में मालिक ने अपने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। कुत्ते को पहले उसने झाड़ी काटने वाली कैंची से मारा, फिर उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मामला मुरलीपुरा थाना इलाके में आजाद पथ सिंध नगर का है। पुलिस ने मालिक पर केस दर्ज किया। दरअसल कुत्ते के सड़क पर पड़े होने की जानकारी मिलने पर एक्टिविस्ट मरियम अबू हैदरी ने कुत्ते के मालिक कैलाश मीणा से बात की, लेकिन उसने उसका उपचार नहीं कराया। इसके बाद कुत्ते जिसका नाम एली है उसकी मौत हो गई। हैदरी ने बताया कि डॉगी के मालिक से बात की, लेकिन उसने उस और कोई प्रकार का सपोर्ट नहीं दिखाया। वो खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने कुत्ते के मालिक कैलाश मीणा पर इलाज के लिए दबाव बनाया। फिर शाम को पता लगा कि कैलाश मीणा ने अपने कुत्ते का उपचार नहीं कराया। वो पुलिस फोर्स के साथ उनके घर गई, कुत्ते का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैलाश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने झाड़ी काटने वाली बड़ी कैंची से एली पर हमला किया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैलाश ने आखिर अपने ही कुत्ते की जान क्यों ले ली। बस ये पुलिस को एक ही जवाब दे रहा है, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। मीणा के पास कुत्ते को अस्पताल ले जाने की कोई रसीद नहीं है, न कैलाश मीणा कुत्ते का उपचार कराना चाह रहा था। जानवरों को मारना कानूनी अपराध। कुत्ते के मालिक के खिलाफ आईपीसी 429 के तहत केस दर्ज किया गया। इसमें जीव को मारना, हत्या करना, जहर देना, अंग काटना कानूनी अपराध है। उसे 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आरोपी कैलाश मीणा पूर्व में भी जा चुका है जेल। कैलाश मीणा कस्टम अधीक्षक के रूप में पद स्थापित था, लेकिन उसने 2014 में बर्खास्त कर दिया गया। वही कैलाश मीणा ने अपने ही साले की हत्या 5 लाख देकर कराई थी। पुलिस अनुसंधान के बाद कैलाश मीणा और मृतक महेंद्र मीणा की पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जो अपनी सजा काट चुका है।